नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूं, तुलसी हेल्थ केयर से बोल रहा हूं और आज मैं बाइपोलर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस एक कॉमन बीमारी है जिसको आमतौर से लोग मूड स्विंग की तरह से जानते हैं। मूड स्विंग्स में कभी तो हम लोग बहुत उदास या स्लो हो जाते हैं या कभी कभी हम बहुत फास्ट हो जाते हैं और हम सारे डिसीजन बहुत तेज़ी से लेना चाहते हैं। ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन को दुनिया भर में पाई जाती है और एक आम बीमारी है। आम तौर से लोग एक आम जने को जिसको ये परेशानी होती है ये सोच के इग्नोर करते हैं कि ये तो एक जीवन का हिस्सा है और ये एक नॉर्मली बिहेवियर है, वह मुकाबले एक बीमारी है। इस बीमारी का इलाज संभव है, सो प्लीज़ इस बीमारी के बारे में जानिए। इसके दो पहलू होते हैं, एक उदासी का पहलू जब हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं और आम तौर से हमारी सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं, हम गुमसुम रहने लगते हैं, रोते रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं और कभी कभी हम लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि जीवन का कोई मकसद नहीं है। उसका उल्टा पहलू तेजी या मेनिया है जिसमें हम लोग बहुत फास्ट हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें नींद की ज़रूरत नहीं होती है, हम नशे का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं और सेक्स की फीलिंग बढ़ने लग जाती है। आम तौर से ये लोग बहुत सारे रैपिड डिसीजन और बहुत तेज़ी से लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी ऐसे जने को जानते हैं जिसमें ठहराव नहीं है और बहुत फ्रीक्वेंटली उसके मूड चेंज हो रहे हैं तो आप पहचान लीजिए कि ये एक मैनिक डिप्रेसिव की तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। कई बार परिस्थितियों में हम लोग उदास या खुश होते हैं, मगर अगर ये परिस्थिति के विपरीत भी हम खुश रहें और हमें कोई दुख की बात महसूस ना हो और ये चीज़ हमारे को कई दिनों तक परेशान करे या परसिस्ट करे तो इसका मतलब हमें शायद मानसिक बीमारी है जो कि मूड डिसऑर्डर जैसी है। जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि मैनिक फेस में हम लोग कई बार ऐसी बहुत सारी गलत चीज़ें कर लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसको कि हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। जैसे मेनिया के समय हम लोग नशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, मेनिया के समय हमारी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत बढ़ जाती हैं और कुछ लोग इवन रेप तक करने की कोशिश करते हैं। मेनिया में हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कोई राजा या हम कोई भगवान हैं और वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन कर लेते हैं और बाद में परेशानी का कारण भुगतना पड़ता है। आजकल मेनिया का इलाज मूड स्टेबलाइजर से बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि एक वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है जो कि वोल्टेज को कम ज़्यादा करने को रोक लेता है, उसी तरह से एक मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं जो कि हमारी तेजी और उदासी के दोनों लक्षण को कंट्रोल कर लेते हैं और हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये काफ़ी कॉमन है, तो कृपया इस चीज़ को अगर आपके कोई भी परिवार का सदस्य या दोस्तों में इस तरह की प्रॉब्लम है तो उन्हें एनकरेज करिए कि वो मदद लें। इस बारे में आप और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो मैं एनकरेज करूंगा कि आप हमें पत्र द्वारा, फ़ोन करके या ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।